एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सैलरी कितना होती है एज ए फ्रेशर और 5 साल बाद? बिकॉज अगर आप स्टडी करने जा रहे हो, बहुत सारे अगर स्टडी कर भी चुके हैं उनको पता नहीं होगा शायद, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो हाय गाइस, दिस इज उज्ज्वल कुमार सेन एंड यू आर वॉचिंग उज्ज्वल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। गाइस देखो, जो सैलरी है वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपके कॉलेज के ऊपर एज ए फ्रेशर खास करके, और आपके कॉलेज में कौन सा कंपनी आई थी प्लेसमेंट के लिए उसके ऊपर। बिकॉज ऑफ कैंपस जितने भी कंपनी, मतलब जितने भी आपके लोगों के जॉब लगे हैं अब तक, कुछ खास सैलरी नहीं लगा है। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, मतलब क्या है, गवर्नमेंट जॉब को एंड प्राइवेट जॉब को, तो सैलरी होती है कहाँ से, 6,000 से लेके 1.5 लाख तक सैलरी होती है। 1 लाख 1.5 लाख तक सैलरी होती है, 1,40,000 30,000 लगा लो, और इन हैंड 1,10,000 तक आती है। तो ये सैलरी रेंज होती है, और ये रेंज डिसाइड कहाँ से होते हैं, सिर्फ 3 फैक्टर के ऊपर रेंज। पहला क्या है, कॉलेज, और कॉलेज कुछ हद तक मैटर करता है और कहीं मैटर भी नहीं करेगा, वो भी बताऊंगा आपको मैं, तो ध्यान से सुनना बात को। दूसरा क्या करते हैं, आपके टीचर्स कैसे आपको गाइड किए और आपने जो गाइडेंस मिला आपने कैसे इंप्लीमेंट किया। बिकॉज देखो, हमें सबको पता है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, मेहनत करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली कितने मेहनत करते हैं, बहुत कम, इसलिए सक्सेस रेशियो जो है बहुत कम है, राइट। तो नॉलेज होना कोई खास बात नहीं है, लेकिन नॉलेज हो के जो प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए वो बहुत खास बात है। सक्सेस गेन करना बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है। सिंपल है, आसान नहीं है। और एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। मॉर्निंग वॉक करना बहुत सिंपल है, क्या करना है, सुबह उठ के चलना है, वॉक करना है, और क्या करना है, लेकिन सारे करते हैं क्या, नहीं करते हैं। बिकॉज क्या है, आसान नहीं है, सिंपल है, राइट। तो वैसे क्या है, आपको क्या करना है, ये सिंपल जो प्रोसेस बताते हैं आपके टीचर्स, उनको इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में, उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है क्या इफेक्ट होता है। कुछ चीज़ों का जल्दी होगा, कुछ बाद में होगा, तो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और दूसरा तो हो गया, तीसरा क्या है, ये बहुत अच्छा है, आपके संगत कैसे हैं, आपके संगत के आसपास जो हैं कैसे बातें होते हैं कॉलेज लाइफ में, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपके दोस्त हमेशा सिगरेट बीड़ी के बारे में बात करेंगे, तो आप और कुछ तो नहीं सोचोगे ना, एप्पल के बारे में तो नहीं सोचोगे, सिगरेट बीड़ी के बारे में ही सोचोगे। तो आपके संगत कैसे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। और आपको पता है और मुझे भी पता है, जो नेगेटिव चीज़ें होते हैं उनके और हम बहुत ईजिली अट्रैक्ट होते हैं। मुझे पता है, मैं ये बात बोल रहा हूँ, बहुत सारे बोलेंगे, हो सकता है आपको खराब लग रहा होगा, आप बोलेंगे जल्दी बताओ सैलरी कितना मिलेगा, मैं आपको बताऊँगा सैलरी कितना मिलेगा, लेकिन ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप फाइनल ईयर में हैं, चाहे आप पास आउट हो चुके हैं। तो गाइस मैं बता चुका हूँ सैलरी का रेंज क्या है। अब गाइस बात करेंगे कि प्राइवेट में भी अच्छे जॉब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, 5 साल बाद कितने सैलरी होते हैं, गवर्नमेंट में अच्छे जॉब मिलते हैं नहीं मिलते हैं, या 5 साल बाद कितने सैलरी होते हैं, वो भी मैं बात करूँगा, राइट। तो गवर्नमेंट में अच्छे जॉब तो मिलते हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब अच्छे हैं, इसमें कोई दोहरी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट में पहले बात करते हैं, स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट जॉब, अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग जाते हो, वैसे सीजेई आरबीजेई, 35,000 के आसपास इन हैंड आता है स्टार्टिंग सैलरी, लेकिन और भी एलिवेंस एलिवेंस हो गए, बहुत कुछ आता है। तो स्टार्टिंग सैलरी इतना है आपका 35,000 मिनिमम, मैक्सिमम कितना है, अगर मान लो आप गेट क्वालिफाई करते हो तो ONGC और पावर ग्रिड मैकेनिकल के लिए नहीं है, खास करके इलेक्ट्रिकल के लिए, तो ONGC मैक्सिमम सैलरी आती है लगभग 16 लाख का, उनका CTC है 16 लैक्स, मतलब पर मंथ कितना बैठता है आपका इन हैंड होते होते वो टैक्स टुक्स लग लुक के, आपके इन हैंड 1,05,000-10,000 आएंगे, राइट, टैक्स भी लगता है भाई। तो ये था सैलरी रेंज। अब आते हैं प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब में अगर कैंपस प्लेसमेंट हुआ, 15 से लेके 40-50 तक 60 तक पैकेज मिलते हैं, और कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो भूल जाओ, 50-60-20 भी मिल जाए काफ़ी अच्छा है, मैं बोलूँगा 20,000 तक मिला हुआ है, आई नो अबाउट दैट स्टूडेंट ऑफ कैंपस में 20-25,000 तक उसने सैलरी लिया हुआ है, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट ने लिया हुआ है। और एवरेज देखता हूँ जो आप कैंपस होता है 10 से 15 के बीच में क्या करता है, लाइक करता है फिलहाल जो मार्केट सिचुएशन है। और वर्स्ट कंडीशन में क्या है, जो थोड़े बहुत जो सुपरवाइजर नहीं लेबर काम कर लेते हैं बेचारे, क्या करेंगे, मार्केट सिचुएशन ही ऐसा है, नॉलेज नहीं होता है, और बहुत सारे फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड करता है, उनको 6,000-8,000 में 9,000 में भी काम करना पड़ता है, वो भी 12-12 घंटे का ड्यूटी, बहुत मुझे ख़राब लगता है, लेकिन क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में। तो ये सारा सिनेरियो है। अब गाइस बात करते हैं सिनेरियो से बचने का क्या तरीका है,
बचने का एक ही तरीका है, आप प्रिपरेशन करिए अच्छे से, आप पढ़िए अच्छे से, राइट, तभी आप बच सकते हैं। पढ़िए अच्छे से मतलब क्या है, यहाँ पर आपको नहीं छोड़ूंगा कि मेहनत करूँ बहुत मिलेगा, मैं बोलूँगा क्या करना है एक्चुअली। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, चुपचाप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो गेट का, पहली बात, अगर आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट है। नॉन टेक में, मतलब टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं है तो नॉन टेक गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, मतलब रियल स्टोरी है। अगर मैं 2012 में पास आउट किया था बीटेक मैकेनिकल से, उस टाइम हालत ख़राब थे, बल्कि मेरे को इंटरेस्ट था टीचिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में और डिजिटल वर्ल्ड में, इन्फो प्रोडक्ट्स में, तो मैं उस चीज़ में आ गया धीरे धीरे करके, आफ्टर टीचिंग जॉब भी करता हूँ। तो आपको क्या करना है बेसिकली, उसके ऊपर बात करते हैं। आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है गेट में, मतलब टेक्निकल फील्ड में, नॉन टेक जॉब्स के प्रिपरेशन कर दो, गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक का है आपका, उसके SSC CGL है, काफ़ी अच्छी नौकरी होती है CGL की, और जो ऑफिसर लेवल का जॉब मिलता है, उसके बाद बाकी सारे भी जॉब्स निकलते हैं नॉन टेक में, तो आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब है नहीं दिखावा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब क्या है, कंपटीशन है भाई। तो आपको क्या करना है, कंपटीशन को बीट करने एक ही सिंपल तरीका है, इसको ले लो और इसको इंप्लीमेंट कर लेना, कामयाब हो जाओगे हर फील्ड में। अपना जो एफिशिएंसी है, अपना जो नॉलेज है, अपना जो मतलब जो आप सोचते हो कि मैं बहुत कुछ हूँ, उसको आप डिलीवेट करो। मैं जो कल था आज उससे मैं एक बेटर वर्जन हूँ, मतलब अपना बेटर वर्जन डेली लाओ। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप कामयाब बन जाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन आसान नहीं होगा, आपको डेली करना पड़ेगा, राइट, आपके अंदर आपको हैबिट बनाना पड़ेगा। ये था आपका गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट आपका गवर्नमेंट जॉब। अगर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं होता है, और मैं खराब नहीं बोलूँगा, आप प्राइवेट जॉब शुरू कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब शुरू करने का कॉलेज अच्छा नहीं तो क्या करेंगे भाई, एक तो कैंपस प्लेसमेंट है, सिंपल है, सब बता देंगे। कॉलेज अच्छा नहीं तो क्या करोगे, कॉन्टैक्ट्स, जब आपके पास टाइम होता है, मतलब आपके जो जब आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आप मेल करो अच्छे कंपनीज़ को। मुझे पता है इसका जो परसेंटेज है आपको मिलने का बहुत कम है, नॉट इवन 20%, लेकिन अगर 20 कंपनी को मेल करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से हो जाएगा। मतलब आपको लगे रहना है जब तक आपको सक्सेस ना मिले। आप वहाँ से इंटर्न करो, कॉन्टैक्ट्स निकालो, अपना जो एफिशिएंसी वहाँ मैक्सिमम दो, कुछ सीखो अच्छा, उसके बाद देखना कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट सही जगह हो जाएगा। अब जाने के बाद रुकना नहीं है, आपको जाने के बाद अपना जो स्किल्स है अकॉर्डिंग टू मार्केट उसको ग्रोथ करना है, और एक साल डटे रहना चाहे कैसे भी कंपनी हो। बिकॉज प्राइवेट जॉब में क्या होता है, आपने देखते हैं कि आप एक्सपीरियंस कितना लिए हो। तो लोग बोलते हैं, जितना मैंने भी एनालिसिस किया, किसी सिंगल कंपनी में स्टार्टिंग का 2 साल देते हो काफ़ी बढ़िया है, आफ्टर 2 ईयर्स एक दूसरे कंपनी में जंप करो जो बेटर कंपनी है। जंप करने से आपका सैलरी बहुत अच्छा हाइक होता है एज कम्पेयर टू एक ही कंपनी में रहना है। तो एक कंपनी में रहोगे 10% हाइक मैक्सिमम मिलेगा, 15-20% स्टार्टिंग में, मान लो 30% मिल गया, लेकिन बाद में उसी 5-10-15 में रुक जाता है। लेकिन अब जंप करते हो तो आपका हाइक अप टू 50% भी होता है, मतलब अगर 10 है तो 15 हो जाएगा, अगर 50 है 75 हो जाएगा, ऐसा मैंने देखा हुआ है, राइट, बहुत सारे लोग मैंने देखा हुआ ऐसे करते हैं। तो आप पहला जॉब 2 साल बाद चेंज करिए, तो दूसरा जॉब क्या 3 साल बाद चेंज करिए, और 2-3 साल बाद चेंज करेंगे तो आपका सैलरी लगभग 50 तक पहुँच जाएगा, 40-50 मैंने देखा हुआ है। 40-50 से ज़्यादा जाने के लिए क्या करना चाहिए आपको, MBA चाहिए आपको। तो PG डिप्लोमा कोर्स होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है, जॉब करते करते कर सकते हैं, बहुत सारे करवाते हैं, लेकिन वो लेने से पहले आप एक बार पता करना सही में वो PG डिप्लोमा प्रोग्राम अच्छे जगह से कर रहे हो या ऐसे ही कर रहे हो। वहाँ से अगर 1 साल का कोर्स करके आते हो तो आपका सैलरी में और अच्छा हाइक मिलता है, बिकॉज आपके पास मैनेजमेंट क्वालिटी तो था, मैनेजरियल आपके अंदर क्वालिटी था, प्लस आपके पास डिग्री आ गया। डिग्री मैटर करता है आज काफ़ी अच्छा जगह पर जाने के लिए, राइट, अच्छी कंपनी में डिग्री देखते हैं आपके, आपके बैकग्राउंड देखते हैं। गायज बता दूं, प्राइवेट जॉब वाले गैप ईयर्स को, गैप मंथ्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं अच्छे कंपनी वाले, तो ट्राई करना कि आपके जो ड्यूरेशन आए उसमें गैप ना आए। अगर गैप आए तो क्यों आया गैप, उसके लिए सॉलिड रीज़न फाइंड आउट करके रखना। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपके लाइफ में चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे गवर्नमेंट जाओ सक्सेस मिलेगा। अब गाइस आते हैं गवर्नमेंट जॉब में। अगर गवर्नमेंट जॉब आपने स्टार्ट किया PSU में जॉब 1 लाख से, तो 5 साल बाद लगभग 1.5 लाख हो जाता है, 1,40,000 से 1.5 लाख हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आपको कैसे प्रमोशन मिल रहे हैं, कैसे अलाउंस मिल रहे हैं, बिकॉज PSUs एक तरह का प्राइवेट जैसे ही होते हैं, बट डिफरेंस क्या है, उसमें आपका फिक्स नौकरी होता है, प्राइवेट में फिक्स नौकरी नहीं होता है, मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। होपफुली गाइस आपको पता लगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और सैलरी डिटेल्स मैंने बता दिया मैकेनिकल के खास करके। अगर किसी और ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं नीचे कमेंट करें, कोई और वीडियो चाहते हैं नीचे जरूर बताएं, और मैं चाहता हूं क्या आपको सक्सेस मिले। गाइस सक्सेस लेने का मूल मंत्र है
जो भी आपके आसपास मिल रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। वंस यू विल स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटिंग, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और आप किसी को, और एक सिंपल मैं एक वीडियो बनाऊंगा लेकिन आपको बता देता हूँ, बहुत दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक चीज़ करना शुरू कर दो, स्टॉप फाइंडिंग वीकनेस इन एनी पीपल, ट्राई टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ एनी पीपल। आप किसी भी बंदों के, कोई बंदा है उसका वीकनेस फाइंड आउट मत करो, आप उसका स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो, उसका अप्रिसिएट करना शुरू करो। तो एक लाइन में बोलूँगा, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, स्टार्ट अप्रिसिएटिंग, यू विल बिकम हैप्पी, यू विल हैव मोर फ्रेंड्स, यू विल हैव हेल्दी एनवायरमेंट टू लिव, बिलीव मी गाइस, डू इट। अब अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो ये शुरू करो करना, देखना आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हालांकि जॉब के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट पर, डिफरेंट डिफरेंट जो हेड्स थे उनके अंदर काम किया, काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, भी बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, और लाइक करना है आपको वीडियो को डेफिनेटली, कमेंट करना है, शेयर करना है। सो गाइज, बाय, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।